जी ये मेरी दूसरी फिल्म है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ. WTF नाम है, व्हाट द फन. इससे पहले मैंने डेब्यू किया था बॉलीवुड में फैमिली फिल्म से. टी सीरीज ने प्रेजेंट किया था और केसरा कंपनी ने प्रेजेंट किया था. उसका नाम था कुटुंब दी फैमिली. उसमें मैंने किरदार किया था टीनेजर जो 17-18 साल का लड़का था और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया. अभी जो WTF एक प्रोजेक्ट है, व्हाट द फन, उसमें भी लाइक वो टीनेजर का लड़के लोग हैं, तीन लड़के हैं 18-19-20 साल के, कॉलेज गोइंग, जो बड़े फन, मतलब जो स्टोरी है बड़ी फनी है कि वैसे इतने मैच्योर नहीं है बट वो करंट सिचुएशन में रहते हैं. तो उनके सबके अपनी इच्छा है करने की कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. तो जल्दबाजी में वो उस चीज़ को पाने के लिए ना वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं. गलत रास्ते पे चले जाते हैं जैसे गलत चीज़ों में, तो उस चीज़ से कैसे बाहर निकलते हैं, उसमें पूरा एक बड़ा ही सरकाज़म वे में बड़ी फनी स्टोरी है, बड़ी फनी इंसिडेंट सिचुएशन होती है जो आप लोगों को बहुत पसंद है. जी मेरे जो पहले डायरेक्टर हैं अमित श्री यादव, जिनके साथ मैंने डेब्यू किया था एज एन आर्टिस्ट, सो कुटुंब दी फैमिली, उन्हीं की ये सेकंड फिल्म है WTF, जिसमें हम लोग लुधियाना पंजाब में हम लोग शूट कर रहे हैं. तो ऑलरेडी मैं एक फिल्म कर चुका था उनके साथ में, तो इसके लिए नरेशन दिया मेरे को बुलाया, बोले कि आई हैव अ वर्क फॉर यू इन लीड, सो यू विल डू दिस फिल्म. ये जो अभी करंट फिल्म है, एक्चुअली इसमें कास्टिंग अभी चल रही है. इसमें जप्तेश करके एक बंदा है जो भाग मिल्खा भाग में और इवन काफ़ी फैमिली ये अपना पंजाब में काफ़ी फिल्म कर चुका है, हिंदी फिल्म भी दो कर चुका है, तो वो वन ऑफ द लीड है इसमें बंदा. फिर राजपाल भैया बड़े भाई हैं, उनका बड़ा आशीर्वाद है, वो भी साथ में है. और बाकी तो आई वोंट डिस्क्लोज, बाकी कास्टिंग चल रही है, चीज़ें चल रही हैं. ओके, कितनी तैयारी कर रहे हैं इस स्क्रिप्ट के लिए? और जब आपने फर्स्ट टाइम ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? When as an artist, when I director giving me the narration, so I went inside the story. तो मुझे बड़ा मज़ा आया स्टोरी में. मेरे को लगा वाह, ये ऐसी स्टोरी आनी चाहिए मार्केट में और कहीं ना कहीं ये यूथ को बहुत कनेक्ट करेगी. और ये मतलब इसको फैमिली भी देख सकते हैं, फैमिली साथ में बैठ के देख सकती है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा लाइक नॉट अ एडल्ट काइंड ऑफ सिनेमा इज दिस. दिस इज़ लाइक वेरी फनी रोमांटिक लड़के लोगों का कहानी है, तो फैमिली के साथ में भी जाके देख सकते हैं. ओके, फर्स्ट फिल्म के बारे में जानना चाहूंगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर का और लोगों का किस तरह का रिस्पांस मिला आपकी फर्स्ट जो फिल्म की? और काफी आप फिट भी दिख रहे, तो फिटनेस के बारे में आपका जानना चाहूंगा. जी एक्चुअली आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मेरी पहली फिल्म थी वो 17-18 साल का लड़का था, उसके लिए मैं 10 kg लूज किया वेट. जी अभी जो आप मेरे को देख रहे हैं करंट सिचुएशन में, मैंने 10 kg पुट ऑन किया है फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट. सो उसमें वो किरदार का वॉन्ट था, वो गांव से रिलेटेड था, गांव एक गरीब परिवार से था, पढ़ाई में खोया हुआ बंदा था, बड़ा शाय था, किसी से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, तो उस टाइप का किरदार था जिसमें मैंने 10 kg कम किया. और कहीं उसमें उस किरदार को निभाने के लिए, क्योंकि मैं अभी गाँव से बिलोंग करता हूँ, बटली मैं गाँव में ज़्यादा रहा नहीं हूँ, बट उस जैसा किरदार निभाने के लिए मुझे उस जैसा बनना पड़ा. तो बनने के लिए मुझे वर्कशॉप भी मैंने की या फिर अपने हिसाब से काम भी किया, क्योंकि जब करेक्टर में आपको घुसना होता है तो आपको करेक्टर के बारे में जानना पड़ता है कि किरदार कहाँ जन्मा, उसका बिलोंगिंग क्या था, उसके परिवार वाले कैसे थे, उसका माहौल कैसा था, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा था, उसका एडुकेशन कैसा है. तो हर चीज़ बहुत मैटर करती है आप किसी भी किरदार को निभाने के लिए. ओके सर, विदाउट सपोर्ट ऑफ गॉडफादर किस तरह से आपने बॉलीवुड में अपने ये फिल्म मिला, कुछ आपके स्ट्रगल के बारे में जानना चाहूँगा जिससे लोग प्रेरित हो. जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं बिल्कुल इस चीज़ का आंसर देना चाहूँगा. मेरे को ऑलमोस्ट मुंबई में, आमची मुंबई में 11 साल हो गया स्ट्रगल करते करते, फाइनली एक प्लेटफॉर्म मिला, उस प्लेटफॉर्म से काफ़ी अप्रिशिएट किया गया. लेकिन मैं लाइफ में बहुत कुछ देखा, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने डिप्रेशन देखा अपनी लाइफ में, मैंने फ्रस्ट्रेशन भी अपनी लाइफ में देखा, बट लेकिन अपने अंदर का पेशेंस मैंने कभी हारा नहीं. मैं कभी भी अपने आप को मतलब इतना डाउन नहीं, मैं फियर में भी रहा हूँ, मैं एनजाइटी में भी रहा हूँ, बट वो सिचुएशन ही आपको कुछ ना कुछ, मैंने सोचा कि ये सिचुएशन अराइज हुई है तो इसका भी मज़ा ले लो, आर्टिस्ट हो यार, तो मैंने उस चीज़ को भी मतलब कि कहीं ना कहीं काम आएगी ये सिचुएशन, कहीं ना कहीं
काम आएगी किसी किरदार में, क्योंकि हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं और चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट कर गई और लाइफ में मैं आगे बढ़ा। मेरा कोई भी गॉडफादर नहीं है, आई बिलीव इन दैट कि मैंने जो रिलेशन बनाया है स्ट्रगल करते, वही चीज़ मेरे लिए बहुत काम आ रहा है। और मैं बिलीव करता हूँ कि रिलेशन ही बहुत मैटर करते हैं। विदाउट रिलेशन यू कांट सर्वाइव इन दिस बॉलीवुड, बिकॉज अंटिल अनलेस यू आर या तो बहुत बड़ा सोर्स हो या फिर तुम्हारा गॉडफादर हो। ओके सर, आपने कहा कि आप डिप्रेशन के भी शिकार रहे, तो कुछ बताना चाहिए किस तरह से आप डिप्रेशन से उभर आए, कुछ उसके बारे में बताइए। और ऐसा कब हुआ, मतलब आपको क्या, आपको लगा कि अभी कुछ नहीं होगा, कुछ वो थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, ये करीबन 3-4 साल पहले की बात है। मैं करीबन 2 साल डिप्रेशन में था। मैं काफ़ी रिजेक्शन मैंने झेले, काफ़ी कुछ मैंने देखा लाइफ में, मैंने अपनों को पलटते हुए देखा। किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया मेंटली फिजिकली, मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने अपने आप को एक बहुत ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, बस इस दुनिया में अकेला मैं ही इंसान बचा हूँ, बाकी मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था मेरे आजू बाजू। तो कहीं ना कहीं वो मुझे मॉरली डाउन कर गया वो चीज़, वो सिचुएशन मुझे बहुत मेंटली फिजिकली मुझे बड़ा हर्ट किया। मैं 2 साल ऐसा रहा हूँ जैसे कोई मेरी हालत, मतलब आई वॉज लिटरली नॉट वॉट वॉज आई राइट नाउ, आई वॉज समथिंग डिफरेंट। सो वो चीज़ मुझे मोटिवेट कर, मैंने कहीं ना कहीं सोचा यार मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ में, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोग इस सिचुएशन को है ना हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी लोग फियर में, एनजाइटी में, डिप्रेशन में गलत कदम उठा लेते हैं। मेरे दिमाग में भी काफ़ी चीज़ें आई, ऐसा नहीं है, बट लेकिन मैंने फिर अपने घर वालों के बारे में सोचा, मैंने अपने बारे में बोले कि तू क्या कर रहा है, तू अपने आप को इतना स्ट्रांग होके भी ये सब सिचुएशन, चलो अराइज हुई है मानते हैं, तो सिचुएशन को सीख, इससे कुछ सीख, इससे कुछ मोटिवेट हो, ये नहीं कि तुम गलत कदम उठाओ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सिचुएशन भी आपको कुछ ना कुछ लाइसेंस देने लाइफ में आती है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं। अगर उतार चढ़ाव लाइफ में नहीं होंगे तो आपको लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में पता नहीं चलेगा। जी बस ये मानते हैं आपके ये बहुत कठिन है डगर पर लटकना, इतना आसान नहीं है बॉलीवुड? बिल्कुल बहुत ज्यादा, मतलब मैं आई कांट एक्सप्रेस इन माय वर्ड्स की बहुत ज्यादा एक्चुअली क्या ना, इंडस्ट्री में पहले स्टार्सन जो एक मोनोपोली है, वही चीज़ें बाढ़ के लोगों को जो मतलब क्या है ना कि मौका इतना, अब क्या है ना, अब जाके बड़े लोग, काफ़ी लोग जो बीच के 10 साल के अंतराल में जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स भी आए हैं बाहर से, क्रिएटिव फील्ड में आर्टिस्ट भी, ऐसे काफ़ी आर्टिस्ट भी बाहर से इंडस्ट्री में आए, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से मोटिवेशन है बाहर के लोगों के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब कि इट्स वेरी हार्ड टू गेट वर्क इन बॉलीवुड एज वॉट आई हैव एक्चुअली फेस एंड वॉट आई हैव एक्चुअली बिलीव इन दैट। बट मैं सोचता हूँ कि जब आपको किसी चीज़ की इच्छा होती है ना, तो आप उसे विश्वास करते हो, तो वो पूरी कायनात आपको मिलाती है उस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग, हमारी जो चीज़ें मिल रही है हमारे थॉट के कारण मिल रही है, और हम लोग अपने थॉट के कारण ही ग्रो होते हैं। वेब सीरीज की बात करें तो बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड चल रहा है। जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि नए कलाकारों को कि आसानी से उनको अपना अभिनय या जो कहे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है? जी बिल्कुल, आप वेब सीरीज देखा जाए तो काफ़ी टाइम, जैसे 24 सबसे पहले वेब सीरीज 24 जो सीरीज आया था अनिल कपूर साहब, सो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए वेब सीरीज आया। वेब सीरीज बहुत ही अच्छा मार्केट है और बड़े बड़े आर्टिस्ट भी इस चीज़ से जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं नए आर्टिस्ट के लिए बहुत सारा इसमें फ़ायदा भी और काम भी कर रहे हैं। सो मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं सिनेमा के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि है वेब सीरीज, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आके बहुत काम करेगी और बहुत ग्रो करेगी। कोई आपका रोल मॉडल है जिसके साथ आप अभी तक साथ में काम करना चाहेंगे? जी मेरे, आई एम वेरी इंस्पायर्ड ऑफ मैनी एक्टर्स, जो उनके साथ में काम करना चाहूँगा। सब अपने आप में माहिर हैं, सबका अपना एक स्टाइल है। सो जैसे मैं इन्फ्लुएंस हुआ था दिलीप कुमार साहब, जो बहुत ही कमाल एक्टर, मतलब कि आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, मैं आई फॉलो वर्ल्ड सिनेमा टू। नसीर साहब भी हैं, नवाजुद्दीन साहब भी हैं, मनोज वाजपेयी सर भी हैं, राजपाल भैया भी हैं, काफ़ी लोग हैं, मतलब अनलिमिटेड लिस्ट, मतलब कोई लिस्ट ही नहीं है, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, मैं सबके साथ में काम करना चाहूँगा, मेरी इच्छा है। जी बिल्कुल है, जैसे WTF मैंने आपको, आप सबको बताया है। इसके अलावा मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ जो एड्स पे रिलेटेड है, सोशल
सोशल मैसेज दे रही है और पब्लिक को, कहीं ना कहीं हम लोग इसको फिल्म फेस्टिवल के सोच रहे हैं, बट लेकिन फीचर फिल्म भी रहेगी क्योंकि स्टोरी बहुत माइंड ब्लोइंग है और इसकी मेकिंग जो है वो बहुत बड़ी मेकिंग है। और तीसरा जो काम है, मेरे को स्टेट टूरिज्म से ऑफर आ रहे हैं, सो आई विल डिस्क्लोज लेटर ऑन जल्दी। ओके, इसके अलावा लास्ट सवाल है, बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है यानी इसके बारे में आपसे जानना चाहिए? बिल्कुल होता है, हुआ ऐसा एक्सपीरियंस रहा? जी बिल्कुल हुआ है, मेरे साथ में भी हुआ है और ऐसा बिल्कुल ये चीज होती है, बट आप हर चीज को मतलब यू कांट रिमूव यू नो जल्दी नहीं हटा सकते सब सिचुएशन में, क्योंकि कोई भी चीज चेंज होती है तो समय लेती है और समय बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो मेरे साथ में भी सिचुएशन अराइज हुई है कास्टिंग डायरेक्टर के साथ में, उसने ही कॉल्ड मी इन द प्रोडक्शन हाउस एंड ही आस्क्ड मी टू डू कॉम्प्रोमाइज, बट आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय, लाइक आई हैव टोल्ड लाइक नो सर आई एम नॉट लाइक दिस, आई डोंट डू दैट बिकॉज आई हैव अ बिलीव इन माई ओन सेल्फ, इफ आई विल गेट वर्क आई विल डू दैट वर्क एंड आई एम गेटिंग दैट वर्क, सो ही लव्ड माई कॉन्फिडेंस एंड ही एक्चुअली यू नो लव्स मी अ लॉट, बट कीप श्योर ब्रो आई विल डेफिनेटली कॉल यू फॉर द प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच, हमारे कठिन सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच।